यदि अभी तक आपने मुझे अन अकेडमी पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मुझे अन अकेडमी पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पर भी DSSB, KVS, CTET, UPTET, HTET और हर स्टेट के लिए जितने भी टेट हैं उनके लिए क्वालिटेटिव कोर्स तैयार कर रहा हूँ। और सबके सब लेक्चर आपको वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, चाहे वो साइकोलॉजी का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे NCERT सीरीज हो, सबके सब आपको प्रोवाइड होंगे। तो जिस तरह आपने मुझे यूट्यूब पर सपोर्ट किया है, उसी तरह आप मुझे अनअकैडमी पर सपोर्ट कीजिए। वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। बात करते हैं स्टूडेंट आज हमारे रीजनिंग के सेकंड टॉपिक नंबर सीरीज के पार्ट पर, जो रीजनिंग का टॉपिक है। तो काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, PRT, TGT और जो कि TGT का पेपर है, तीनों पेपरों में आपको देखने मिलेंगे, चाहे आप लाइब्रेरियन का एग्जाम दे रहे हो तो रीजनिंग सब में है। तो लास्ट टॉपिक मैंने कराया था ऑड वन आउट का, जिसकी दो पार्ट बने थे। पहले पार्ट में आपको समझाया था और दूसरे पार्ट में उसके क्वेश्चन करवाए थे। सेम का सेम ये पार्ट करूंगा, पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, बाद में जितने भी क्वेश्चन हैं आए हुए हैं। और ऑड वन आउट के 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 2017 में ओनली। अभी 2015 का पेपर काउंट नहीं किया, ना ही मैंने LDC के, ये ओनली TGT, PGT, PRT के पेपर बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब सेम का सेम नंबर सीरीज है और नंबर सीरीज में ओनली 2017 में 6 क्वेश्चन देखने को मिले थे PRT में। PRT अभी TGT की कल करवाऊंगा सेकंड, जब मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, और PGT के भी, लाइब्रेरियन के, LDC के, सबके क्वेश्चन करवाऊंगा आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और दूसरी बात, इतने दिन वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि आपके लिए मॉडल पेपर बना रहा हूँ KVS के, हूबहू जो ब्लू प्रिंट होंगे सेम के सेम आपको 21 तारीख से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। हर 2 दिन बाद आपको या 3 दिन बाद आपको 150 क्वेश्चन का TGT, PGT, PRT तीनों का पेपर मिलेगा, ठीक है। थोड़ी सी टाइपिंग में दिक्कत आ रही है, टाइपिंग करवा रहे हैं, बहुत जल्द आपको 20 या 21 तारीख से आपके मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको साइट्स, वेबसाइट पर या ब्लॉग्स पर मिल जाएंगे, या आपको ग्रुप्स में मिल जाएंगे, या FB पेज पर मिल जाएंगे, या डिस्क्रिप्शन में, चारों जगह होंगे, आप कहीं से भी ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले अपने कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, बाद में जो 2017 में क्वेश्चन है 2015 में उनको करेंगे। तो देखिए, टाइप नंबर पहला जो बिल्कुल इजी है, पहले इजी से स्टार्ट करूँ, इजी से चलते चलते बाद में अपने अल्टरनेटिव सीरीज में पहुंचेंगे, जो कि इसका सुप्रीम, मतलब कह सकते हैं सुप्रीम पॉइंट है, मस्कुलिन सीरीज कहते हैं, ठीक है। 3 से 10, 10 से 17, 17 से 24, ये एडिशन सीरीज है और बहुत ईजी, आप बेसिक से बना सकते हो, बिल्कुल भी समझाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा अपने प्रैक्टिस में ला रहे हैं तो कि अपना लैब बन जाए सीरीज पर। तो देखिए, 3 से 10, 7 का डिफरेंस है, ठीक है। 3 में क्या जोड़ूं कि 10 आ जाए, 7 जोड़ा, ठीक है। 10 में क्या जोड़ूं कि 17 आ जाए, 7 जोड़ा। 17 में क्या जोड़ूं कि 24 आ जाए, 7 जोड़ा, ठीक है। तो उसी प्रकार 24 में क्या जोड़ूं कि इन चारों में से नंबर आ जाए, क्योंकि 7 7 का 7 का ऐड हो रहा है बार बार। देखिए, 17 में ऐड, 3 में ऐड किया 7, 10, 10 में ऐड किया 7, 17, 17 में ऐड किया कितने आए 24, 24 में 7 ऐड किया तो कितने आए 31, तो 31 हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। उसी प्रकार ये देखिए, अब देखिए, अब यहाँ मैं ऐड करता हूँ +2 तो 7 आता है, फिर ऐड करता हूँ +3 10 आता है, फिर ऐड करता हूँ +4 14 आता है, फिर ऐड करता हूँ +5 19 आता है, फिर ऐड करता हूँ +6 25 आता है, फिर 25 में 7 ऐड करूँगा तो क्या आएगा 32, क्योंकि पहले 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर 5, फिर 6, है तो ऐड की सीरीज, लेकिन अल्टरनेटिव बढ़ रहा है एक एक करके। तो कैसी मर्जी आपको ऐड की सीरीज मिल सकती है, जितने पॉसिबल क्वेश्चन है वो आपको करवाए जाएंगे थ्रू नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में अपने बेसिक समझेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन है, और कल उस वीडियो में अपने क्वेश्चन करेंगे आराम से कम 60 70, जो इतने अच्छे होंगे आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन नहीं गलत होगा। तो इसमें क्या जोड़ूं, 25 में 7 जोड़ा तो 32 आए, 32 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट डिफरेंस सीरीज, जिसको आप सब्सट्रैक सीरीज भी बोलते हो। अब देखिए, 100 से 92 आ रहा है, 92 से 84 आ रहा है, 84 से 76 आ रहा है, 76 के बाद क्या आएगा, ठीक है, वो पूछ रहे हैं। तो देखिए, 100 से 92 में क्या रहा है, क्या घटाऊं कि 92 आ जाए, -8 घटाया, ठीक है। 92 में क्या घटाऊं कि 84 आ जाए, तो -8 घटाया, ठीक है। और 84 में क्या घटाऊं कि 76 आ जाए, -8 घटाया। 76 में अब -8 की सीरीज चल रही है, तो -8 इसी में भी सब्सट्रैक करूंगा तो क्या आएगा, तो 68 आएगा, तो 68 हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है 45 42 36 27, क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है अपने को। सब्सट्रैक सीरीज है आपको फाइंड, बस आपका बेसिक बना रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन पकड़ना आना चाहिए। रीजनिंग क्या है, क्या रीजनिंग बहुत, मतलब आपके पावर का एकदम, मतलब समझ आनी चाहिए। अगर आपको
मतलब कहते हैं ना कि सूझ का सिद्धांत जो अपने पढ़ते हैं साइकोलॉजी में, कि यकायक सूझ आती है, वो रीजनिंग है, ठीक है? अगर आपको पकड़ ली तो ठीक है, नहीं तो गलत क्वेश्चन, जितना मर्जी आप उस पर मतलब दिमाग लगाइए नहीं होगा। तो देखिए 45 से 42 माइनस 3 का डिफरेंस, ठीक है, 42 से 36 माइनस 6 का डिफरेंस, 36 से 27 कितने का डिफरेंस हुआ स्टूडेंट, 3 और माइनस 9 का डिफरेंस, ठीक है, 3 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस, अब कितने का आएगा, 12 का डिफरेंस। तो 27 में यदि 12 घटाता हूँ तो कितने आएंगे स्टूडेंट, 15 आएंगे। तो जो 15 ऑप्शन है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ये था स्टूडेंट हमारा कौन सा एडिशन सीरीज, और कौन सी थी डिफरेंस सीरीज, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई सीरीज की। हमारे मल्टीप्लाई सीरीज देखिए, मल्टीप्लाई सीरीज में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है, एक से दूसरे नंबर पर बहुत ज़्यादा, दूसरे से तीसरे उससे भी ज़्यादा अंतर आने लगता है, और तीसरे से चौथे उससे भी ज़्यादा अंतर गैप आना स्टार्ट हो जाता है। एडिशन और सब जो डिफरेंस है उसमें जो दो नंबर्स के बीच में अंतर रहना बहुत कम होता है, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवीजन में दो नंबरों के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। ये पहचानने का तरीका है, ठीक है। अब देखिए आपने यहाँ से पहचाना, तो देखिए 100 और 92 में 8 का अंतर आ रहा है, ठीक है, और 92 और इसमें भी 8 का अंतर आ रहा है, बहुत करीब करीब नंबर हैं। लेकिन आपने इसको देखा होगा कि पहले क्या आया, पहले 7 आया, फिर 21 आया, फिर 63 आया, फिर 189 आया। इट मीन्स पता चल रहा है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 7 से 21 लाना है तो क्या मल्टीप्लाई करूँ, 3 का मल्टीप्लाई करूँगा, 63 लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, और 63 को 189 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से। उसी प्रकार 89 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है हर सीरीज में, तो वो हमारा आंसर क्या होगा, आप टिक कर लीजिए क्या आंसर होगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इससे 3 को, ये 7 आ गया, मतलब कितना आया पीछे, ठीक है, 2 आया, 54 और 2 56, तो कितना है 567। नेक्स्ट है सेम की सेम डिवीजन सीरीज, ये भी मल्टीप्लाई सीरीज की तरह होती है, जस्ट रेसिप्रोकल होती है उसकी। तो देखिए चाहे आप इधर से चलोगे तो मल्टीप्लाई होगा, इधर से चलोगे तो डिवीजन होगा, ठीक है, चाहे किधर से मर्जी चल लीजिए, अगर आपको एक पैटर्न पता है तो आप आराम से निकाल सकते हो। अब देखिए 2000 से क्या आ रहा है, 2000 से 500 आ रहा है, 500 से 125 आ रहा है, 125 के बाद क्या आएगा, तो देखिए यदि इसके अंदर मैं आपको 4 का डिवाइड करता हूँ, 4 का डिवाइड किया तो कितने आए, ये 500, 500 में 4 का डिवाइड किया तो ये कितने आए स्टूडेंट, 125, 125 में 4 का डिवाइड करूँगा वो जस्ट अगला नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर ऐसे बढ़ते हो तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितने आते, 500, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितने आते, 2000। इट मीन्स मतलब यहाँ कोई ऐसी रकम होगी जिसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 125 आएगा, तो वो रकम और जो वैल्यू है वो आपको ऑप्शन से मिल जाएगी अगर नहीं आता, ठीक है। उसके बाद देखिए ये भी इधर से बढ़ोगे तो डिविजिबल है, इधर से बढ़ोगे तो मल्टीप्लाई है, जैसे मर्जी कर लो, ठीक है। यदि 18 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 72 आता है, 72 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो ये कितना आएगा देख लीजिए, आएगा 360, 360 को 7 से 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 216 आएगा, 216 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा। इट मीन्स 4, 5, 6, 7 मल्टीप्लाई सीरीज में चल रहा है अल्टरनेटिव। इट मीन्स यहाँ मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, किसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ कि 18 आ जाए, इट मीन्स 6 को मल्टीप्लाई करूँगा तो वो क्या आएगा, 18 आएगा, तो यहाँ 6 आना चाहिए था, ठीक है। यहाँ इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 72 आ जाए, किससे मल्टीप्लाई करूँ कि आ जाए, किससे मल्टीप्लाई करूँ कि आ जाए। अब अगर डिविजिबल देना है तो इस प्रकार दीजिए, इसमें 2160 का डिवाइड करूँगा तो डिवाइड किया तो ये कुछ ना कुछ जाएगा, ठीक है, ये 7 पर जाएगा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 डिवाइड पर 6 पे जाएगा, 5 पे जाएगा, ठीक है, ये 4 पे जाएगा, तो यहाँ क्या रखूँ कि जो जो भागफल आए 3 आए तो 6 रखूँगा, चाहे किस मर्जी प्रकार बढ़ जाइए। अब स्केयर सीरीज है, अगर आपको स्केयर अच्छी तरह याद है तो आप क्वेश्चन बना सकते हो भाई, 1 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 16, 16 के बाद 25, 25, 36, 49, तो 49 के बाद क्या आएगा, क्योंकि स्केयर चल रहे हैं सभी, 64 आएगा, ठीक है, 441, 21 का स्केयर है, 529, 23 का स्केयर है, 525, 625, 25 का स्केयर है, तो देखिए 21 के बाद 23 का स्केयर, 23 के बाद 25 का स्केयर, अब किसका स्केयर आएगा, 27 का स्केयर, जो कितना होगा 729 होगा, तो 729 आएगा। ये था हमारा स्केयर सीरीज, जिसे आप एन स्केयर सीरीज भी, एन स्केयर भी कहते हैं, एक सीरीज का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट इसकी जस्ट अगली पॉइंट पर, तो देखिए स्टूडेंट ये भी सेम का सेम इसी से है, आपने अभी स्केयर सीरीज सुनी थी, पढ़ी थी एन स्केयर, अब बढ़ते हैं एन स्केयर प्लस वन, कि जिसका स्केयर कर रहे हैं उसमें एक जोड़ेंगे, तो देखिए 26, 37, 50, 65, 82, यदि आपको स्केयर अच्छी तरह मालूम है और आपने सीरीज को देखा हुआ है
कि ये देखिए 26, 26 के पास किसका स्केलर है 25 का, 27 के पास किसका स्केलर है 36 का, और 37 के पास 49 का, 64 का, 82 का। तो देखिए यहाँ एन स्केयर मतलब स्केयर, 5 का स्केयर प्लस 1, 6 का स्केयर प्लस 1, 7 का स्केयर प्लस 1, 8 का स्केयर प्लस 1, 9 का स्केयर प्लस 1, तो अब क्या आएगा 10 का स्केयर प्लस 1, तो कितना आएगा 101 आएगा स्टूडेंट हमारे यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज होती है एन स्केयर माइनस 1, ये प्लस की थी, एक जोड़ रहे थे स्केयर में, अब एक घटाएंगे, तो 120 किसके नज़दीक है 11 के, 11 की स्केयर माइनस 1, 12 की स्केयर माइनस 1, 13 की स्केयर माइनस 1, 14 की स्केयर माइनस 1, 15 की स्केयर माइनस 1, 16 की स्केयर माइनस 1, 16 की 256 होती है, 256 में से एक घटाए तो कितने बचते हैं 255। ठीक है, अब सीरीज है एन स्केयर प्लस एन, एन स्केयर प्लस एन, ये भी इसकी तरह ही होती है कि जिसका स्केयर कर रहे हैं उसी को जोड़ रहे हैं, 30, 42, 56, 72, एक तरह से ये एडिशन सीरीज भी मान सकता हूँ इसको कोई। देखिए अब देखिए इसमें 12 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें 14 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें 16 का डिफरेंस आ रहा है, तो आगे 18 का डिफरेंस आएगा, तो 90 आना चाहिए। लेकिन अपने इस तरीके से देखते हैं क्या ये एन स्केयर प्लस एन से भी 90 आ रहा है या नहीं आ रहा है, एडिशन सीरीज से भी 90 आ रहा है। तो देखिए अब 30 क्या है, 5 के स्केयर में 5 जोड़ूंगा, उसने खुद कहा है कि पहले एन का स्केयर करो फिर एन जोड़ो, 6 के स्केयर में 6 जोड़ा, 7 के स्केयर में 7 जोड़ा, 8 के स्केयर में 8 जोड़ा, 9 के स्केयर में 9 जोड़ूंगा, 9 का स्केयर कितना था 81 और 9 कितना 90, तो इससे भी 90 आ रहा है और एडिशन सीरीज में भी 90 आता, तो कोई मर्जी लगा लीजिए, सेम का सेम आपको ये देखने को मिलेगा, ये भी आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं N3 सीरीज, N3 का रहा है किसी भी रकम का क्यूब करना, यदि आपको क्यूब 15 तक ईजी है, 15 तक तो होनी चाहिए कम से कम आपको, ताकि ये क्वेश्चन ईजी बन जाए, तो 2 का क्यूब, ठीक है, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, अब कितना आएगा 7 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता है 343। ठीक है, तो अब बना सकते हो। ठीक है, तो जितना भी आप, अगर आपको नहीं पता कम से कम आप मल्टीप्लाई कर सकते हो स्टूडेंट। ठीक है, अब N3 सीरीज ये भी थी, ये N3 कौन सी है, N3 प्लस 1 वाली सीरीज है, N3 प्लस, अब देखिए 2, 9, 28, 35 डिफरेंस निकालोगे, मल्टीप्लाई करोगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है, वही तरीका है, कम से कम आप अगर N3 वाली सीरीज पता है आपको तो आराम से बना सकते हो, 1 की 3 प्लस 1, 2 की 3 प्लस 1, 1 की 3 में 1 जोड़ूंगा तो 2 आएगा, इसमें जोड़ूंगा तो कितना आएगा 9 आएगा, 3 की 3 प्लस 1, 27 प्लस 1 28 आएगा, आ गया 9 भी आ गया, 2 भी आ गया, 65, 65 क्या होगा 4 की क्यूब प्लस 1 कितना आ गया 65, 5 की क्यूब प्लस 1 126, तो यहाँ क्या आएगा 126। ठीक है, ये था स्टूडेंट हमारा N3 सम, इसके बाद आप N3 प्लस वाली भी बनेगी, 1 वाली, ठीक है, N वाली बनेगी, माइनस वाली बनेगी, सेम का सेम इसी की तरह बनेगी। ठीक है, ये था स्टूडेंट हमारा बेसिक, ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा, अगर आप सोल्व करना चाहते तो इसी को अब कर लो, नहीं तो कल ये मैं सोल्व आपको करवाऊंगा, नहीं तो आप करना चाहते हो तो इजीली वैसे बन जाएगा। ठीक है, सीरीज में नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, 3 के बाद 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद 17, 17 के बाद क्या है, अब देखिए यहाँ 2 का डिफरेंस आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ कितने का आ रहा है 2 का, यहाँ 4 का, यहाँ कितने का आ रहा है 8 का, 8 के बाद कितने का आएगा 16 का, ठीक है, 16 के बाद 32 का आ रहा है। ठीक है, देख लेना कि पैटर्न बन रहा है कि नहीं, तो देख लीजिए 2 का, 4 का, 8 का, इट मीन्स 2 की टेबल में चल रहा है, बार बार 2 गुना हो रहा है, तो यहाँ कितने का 16, तो 16 और 17 कितने होते हैं 33, तो जो हमारा आंसर होगा 33, 33 में क्या जोड़ूँ, क्योंकि 16 के बाद डिफरेंस किसका आएगा 32 का, 33 और 32 65 बन रहे हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फिर 64 का, 64 का डिफरेंस और 65 129 बिल्कुल सही है, तो यहाँ हमारा क्या है 16 आएगा, यहाँ 16 रखूँगा इसके साथ ऐड करूँगा तो 33 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा नंबर अन्य से डिफरेंट है, ये भी ओड वन आउट का है, तो 3, 5, 11, 14, 17, 21, तो देख लीजिए इजी क्वेश्चन है, करवाया नहीं था तब मैंने, तो 14 क्या एक इवन नंबर है, मैंने ओड वन आउट वाले रीजनिंग में पहले चैप्टर में करवाया, आप देख लीजिए वो, तो 14 डिफरेंस है क्योंकि ये इवन है, सम रकम है तो कट गया। ठीक है, अब कहते हैं कि श्रृंखला में गलत पद छांटिए, ये अपने को श्रृंखला दे रखी है, सीरीज दे रखी है, इसमें गलत टर्म छाननी है, अब ये अपने आप में एक पैटर्न है, ये कल पैटर्न आपको सेकंड सीरीज में मिलेगा, जिसमें अपने अल्टरनेटिव क्वेश्चन करेंगे, जिसमें ना तो कोई कॉन्सेप्ट होगा, अपने को कॉन्सेप्ट सोचना पड़ेगा माइंड में। देखिए एक के बाद 5, 5, 9, 9, तो क्या बन रहा है, तो एक सीरीज बन रही है यहाँ से, 1 से 5, 5 से 7, 7 से 11, 11 से 12, तो पहले ये सीरीज बना रही है 1, 5, 7, 11, ये 2017 का क्वेश्चन है।
ठीक है, फिर आ रहा है कि 5, 9, 11, 15, 17, तो बताओ कहता है इनमें से कौन सी टर्म गलत लिखी है यहाँ इन्होंने। तो देखिए 1, 5 तो मैंने ये पहली सीरीज बना ली अल्टरनेटिव यहाँ से, ठीक है स्टूडेंट आप बना लीजिए, फिर दूसरी बना ली मैंने यहाँ से, ठीक है। अब देखिए इनका डिफरेंस कितना है, 4 का, इनका डिफरेंस कितना है, 4 का, इनका 4 का, इनका 4 का, लेकिन यहाँ 5 का, तो यहाँ क्या आना चाहिए था कि डिफरेंस आ जाए, तो यहाँ 12 आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, 12, क्योंकि ऊपर वाली टर्म में, नीचे वाली टर्म तो बिल्कुल सही चल रही है, ऊपर वाली टर्म में गड़बड़ है, यहाँ 12 की जगह क्या आना चाहिए था, 11 आना चाहिए था, मतलब 12 गलत है यहाँ, 12 क्या है, गलत है, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा गलत फॉल्ट था तो गलत है। नेक्स्ट, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, दो और भी दे रखे हैं, आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और है अपने, कल भी कर लेंगे, कुछ और क्वेश्चन मिले तो, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ये भी 2017 का क्वेश्चन है, कहता है कि तीनों टर्म्स बतानी है अपने को, तो कहता है कि एक, अब देखिए एक ये कैसे आया, ठीक है, इससे पहले यदि मैं 0 रखता हूँ, 0 में एक जोड़ा तो कितना आया, एक, ठीक है, ये क्योंकि पिछले वाली टर्म में यदि अपने वही टर्म जोड़ते हैं तो जस्ट आगे वाली टर्म आनी चाहिए, तो देखिए इसमें एक में 0 में एक जोड़ा तो एक आया, ठीक है। अब 2 लाना है, मतलब एक तरह से समझाने के लिए है, ठीक है। तो देखिए अब इस एक में एक जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 2, 2 में एक जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 3, 3 में 2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 5, 5 में 3 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 8, 8 में कितना जोड़ूंगा कि 5 आ जाए, 13, 13 में क्या जोड़ूंगा, 21 आ जाए, 8, अब 21 में क्या जोड़ूंगा, 13, तो कितना आएगा, 34, 34 में क्या जोड़ूंगा, 21, तो कितना आएगा, 65, 65 में 34 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 89, तो जो ऑप्शन 4th है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है स्टूडेंट।